आज शाम को मैं आई हूँ मामा के घर और हो गई है रात, इसलिए मैंने रास्ते का व्यू नहीं कोई दिखाया। और यहाँ बनी है दाल की पूड़ी और खीर, और हम सब खाना खाने जा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं कल शाम को आई थी मामा के घर, और तब रात हो गई थी, तो इसलिए मैंने कोई कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। वही सिर्फ खाने वाला ब्लॉग बनाया था, रात में बनाया था दाल वाली पूड़ी और खीर, तो आप सब देख ही लिए हैं। और ये मामा का घर है, उनके घर के सामने ये पौधे लगाए गए हैं, और आप सब देख रहे हैं यहाँ पर पौधों में नींबू लगा हुआ है। और नींबू पके नहीं हैं अभी, कच्चे ही हैं। और ये अनार का पेड़ है ऊपर, ये अनार उसमें लगा हुआ है, पका नहीं है। और ये अनमोल खेल रहा है घर के बाहर, ये उनका गेट है, चैनल लगा हुआ है आगे। और यहाँ पे मामा बैठे हुए हैं तख्ते पे, और ये सामने माँ सोई हुई है हमारी। और ये कमरे में ये पूजा वाला घर है, आप सब देख रहे हैं, माता रानी का फोटो यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर पूजा वूजा करते हैं। कमरे में अंधेरा रहता है, जितना उजाला चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। और ये हमारी मामी हैं, कमरे में जा रही हैं। और ये दरवाज़ा खुला था, कुछ सामान लेने गई थी वहाँ पे, तो दरवाज़ा खुला था, वही बंद कर रही हैं। और उसके बाद हम इसे इस कमरे से ये अनमोल देख रहा था और मुझे बुला रहा था, और मैं उसके बाद चली गई थी दूसरे मामा के घर मिलने के लिए। और ये सामने जो दिख रहा है, वो सामने वाला गेट, वो दूसरा वाला घर है, ये भी जल्दी बना हुआ है। इसके ऊपर भी एक मतलब दो तल्ले का है, ये बनाया गया है, इसमें सब चीज़ है, बाथरूम वाथरूम वगैरह उसी में सब बना हुआ है। और ये उनका डॉक्टर खड़ा है, ये सामने उनकी बोलेरो खड़ी हुई है। और कमरे के बाहर ये देखिए कुछ फ्लावर लगी हुई है, जीने के ऊपर रखा हुआ है, और गमले में लगाए गए हैं ये सारे पौधे, और कुछ सूख गए हैं और कुछ हरे भी हैं। और यहाँ पर कमरे में कूलर रखा हुआ है, और यहाँ पे ये भाभी हैं, तो बड़े भैया डॉक्टर हैं, तो वो घर पे नहीं थे, और भाभी को जानकारी थी तो इसलिए वो दवा दे रही थी। अनमोल की तबीयत थी ख़राब, तो यहीं पर वो दवा दे रही थी। मैंने सोचा कि अभी यहीं पर हूँ तो थोड़ा दवा खिला देती हूँ, तो बुखार कम हो जाएगा। और माँ के लिए भी दवा लेना था, उनके भी बुखार चढ़ गया था बहुत तेज़ी से, तो मैं वही भाभी से बोल रही थी कि भाभी थोड़ा दवा दे दो, आराम हो जाए, उसके बाद कहीं दिखवाते हैं। और ये दूसरे घर में मैं आ गई थी, सामने वाला जो दिख रहा था। और यहाँ पे आज मिल रहा है राशन, और ये अनमोल जिद कर रहा था कि मैं घर के अंदर जाऊंगा, मैंने इसे बोला कि जा तू, फिर देखो कि चला आए। और यहाँ पर देखो मशीन रखी हुई है, और यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं राशन लेने के लिए। तो अब नियम हो गया है कि अंगूठा लगाना पड़ता है, तभी राशन मिलता है। तो मामा वही छुट्टी पा गए थे, बहुत भीड़ थी सुबह से, लेकिन उसके बाद कुछ लोग बचे थे, वही आ रहे हैं पारी पारा लेने के लिए। तो जो भी आता है, जब आता है तभी देना ही पड़ेगा। और ये सामने देखो कुछ लोग राशन भी भर रहे हैं वजन करने के लिए, मशीन भी सामने रखी हुई है। और उनके पीछे जो कमरा, उसी कमरे में सारा राशन रहता है। और यहाँ पे कार्ड सब लोग का जमा हो गया था, और वही देख देख के दे रहे थे। और रजिस्टर में भी दर्ज करना पड़ता है, अंगूठा 1 दिन के पहले लगवा लिए थे ताकि अगले दिन राशन बांटने में थोड़ी आसानी हो। और जो इन लोगों का जमा हो गया था, उन लोगों को पहले मिल गया था। और ये अंदर का है व्यू, और वो देख रहे थे, वो जीना वाला है, ऊपर जाता है। ऊपर वाले कमरे में गई नहीं थी, ये जो सामने सारा दिख रहा है सारा कमरा है। और यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है। और उसके बाद अम्मा को दवा खिला के मैं घर आ गई थी, और ये रास्ते का व्यू है।
और इस समय चारों तरफ हरियाली है, जिस तरफ देखो उसी तरफ हरा भरा है। और ये जिस सड़क से हम जा रहे हैं, ये सड़क थोड़ा ठीक नहीं है, कच्चा है, माटी मिट्टी का भी है, इस पर ईंट नहीं लगा हुआ है। बारिश के मौसम में ये सड़क और भी ख़राब हो जाती है और ज़्यादा गड्ढा हो जाता है, गाड़ी वाड़ी से बहुत अच्छा भी लगता है। और ये छोटा केंद्र है स्वास्थ्य केंद्र, अभी स्टाफ नर्स कोई यहाँ पर नहीं रहता, परसों नहीं होता है, और लेकिन दवा मिलता है। और ये देखिए अस्पताल के बगल में तो और ही रोड ख़राब है, इसलिए मैं उतर गई थी, मैं सोची कहीं गाड़ी वाड़ी फिसल जाएगी तो गिर ही जाऊंगी। और ये भी जल्दी बना हुआ है, छोटा केंद्र है ये, छोटा केंद्र ज़रूर है, लेकिन अगर कोई को परेशानी में जैसा कोई तत्काल में बुखार या जुकाम या कहीं चोट वोट लग गई तो दवा मिल ही जाती है। और ये नज़दीक भी है, देखिए सफ़ेदा का पेड़ लगा हुआ है, बगी है, एक बार एक दो बारी से काट काट लिए हैं, ये फिर से दूसरा है। और ये यही सड़क सिर्फ जाने के लिए इधर अस्पताल में अच्छा नहीं है, ये बन जाता तो और अच्छा होता नहीं है, अभी परसों वरसों होता नहीं, कोई स्टाफ नर्स या डॉक्टर आया ही नहीं अभी तो, परसों कहाँ से यहाँ पे होगा, जब आएंगे तब शुरू हो जाएगा। अभी सड़क बन जाए तो और अच्छी है बात है, लेकिन ये सड़क पे इतना गड्ढा हो जाता है बारिश के मौसम में कि बाइक से नहीं कोई आ जा सकता, इतना अच्छा लगता है सबको। और हम आ गए ये अपने घर वाले रोड पे, ये पक्की सड़क है। नहीं अभी बकरगंज का स्कूल है, उसके बाद मैंने भी नहीं लिया था, हम सब सीधे आ गए थे घर, और घर घर आने के बाद मैं चाय वाय बनाई, और भतीजे लेके आया था, मामा का पोता था, तो उसके बाद मैंने चावा बना के दूध, चाय बनाने के बाद दूध भी डाल दिया उसमें, और चाय भी खोल गई, और चाय को अच्छी तरह से मैंने खोला है। उसके बाद मैं, आप सब देख रहे हैं, मैं चाय छान रही हूँ, और चाय छान के सबको दिया, और अम्मा को भी थोड़ी तबीयत ख़राब, बुखार उखार था, तो सभी लोगों के लिए मैंने चाय छानी, और अनमोल भी मांग रहा था चाय, तो उसको भी मैंने छान के थोड़ा दूध डाल के उसमें उसको भी दिया। उसके बाद देखा कि राशन नहीं है, गेहूं बनाना था, फिर मैंने उसी के बाद ये लाइट भी था और पंखा लगा के फिर गेहूं बनाने लग गई, और यही से मैं गेहूं बनाती हूँ, गेहूं बना उसा के ऐसे गेहूं उसा देती हूँ। दूसरी औलाद भी है, ज़्यादा नहीं है, इसे उसाने से जल्दी भी हो जाता है और साफ भी हो जाता है अच्छी तरह से, और सिर्फ बीनना पड़ता है ऐसे में उसा के, उसके बाद बीन के मैं बीन उसा के फिर बीना नहीं अभी, और यहाँ पर बीन उनके और रख दिया था, वही आगे का था ये, तो आगे वाला सूप से ही बनाती हूँ, जो एक दो सूप बचा रहता है उससे बना के बीन के अच्छी तरह से उसके बाद रख देती हूँ, क्योंकि इसमें आगे में थोड़ा ज़्यादा बलरी और मिट्टी उट्टी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो ऐसे नहीं साफ होता, या तो पंखे से ही उसा लो, थोड़ा रहता है इसलिए मैं उसाती नहीं हूँ, सूप से ही बना देती हूँ जो थोड़ा बहुत रहता है, तो ही मैं आगे वाला बना रही हूँ। इसमें बलूनी थोड़ी ज़्यादा था तो मैंने सोचा इसको हलोर के, अब धूप तो नहीं है, कहीं धूप में डाल दूँगी, इसके बाद हलोर के मैं अब सिकोले में हलोर के आगे वाला रख देती हूँ, जो छोटा छोटा कंकड़ वंकड़ ने और चावल भी मिल गया था इसमें थोड़ा बहुत, तो अब नीचे रह जाएगा। उसके बाद में ये जो आगे वाला है इसको बटोर के उसके बाद रख देती हूँ, कभी बेचने उचने के काम आ जाता है तब मैं इसको भी बना लूँगी, और अब चटाई से झाड़ के पूरा सूप में रख लूँगी, और रखने के बाद मैं, अब चटाई छोटा है, जब वसाया जाता है तो इधर उधर थोड़ा गिर ही जाता है, अभी मैंने सूप में रख दिया है, अजवारी बगल थोड़ा बहुत गिरा होगा उसको मैं बटोर लूँगी, उसके बाद उसी सूप में पछोर के उसके बाद
रख दूंगी, कभी कोई काम लगेगा तो बेच लेंगे, काम चल जाएगा, कोई सामान खरीद लेंगे। और आगे वाला खाने के काम में अच्छा नहीं होता है, खाने के लिए अच्छे से बलूरी जाना था वही में मिर्च के, मैंने सोचा भूसा उसका निकल जाएगा और गेहूँ गेहूँ रहेगा तो गेहूँ रहेगा तो अच्छा थोड़ा दाम मिलेगा उसका, ज़्यादा खुबार रहता है तो दुकान वाले कम ही दाम देते हैं। और फिर मैंने देखा कि डिब्बे में चावल भी नहीं है, तो अब चावल बना, फिर उसके बाद मैं लेकर आई चावल बनाने के लिए। एक बार मैंने बना के उसको रखा था लेकिन फिर भी दोबारा बनाना पड़ रहा है। फिर उसके बाद मैंने इसे बनाया, उसके बाद बीन के उसके बाद मैं थाली में रख के बीना था, पहले इसको मैंने पछोर के रख दिया था उसी कोले में, उसके बाद मैं थाली में रख के बीनी थी ताकि कोई इसमें कीड़ा या वगैरह कुछ ना रहे। तो ज़्यादा मैंने लिया नहीं था, 2 या 3 सूप मैंने बनाया ही था कि अब टाइम ज़्यादा हो गया था, मैं सोची कि अभी रात हो जाएगा बनाने बनाते। तो यहाँ पर मेरे साड़ी में जो लेस लगा हुआ है, ये लेस में वो सूप फंस गया था तो खींच गया था उसका सूत, वही मैं देख रही थी। आने के बाद बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जितना चावल मैंने लिया था उतना चावल मैंने सूप से अच्छी तरह से साफ कर लिया है और काम करके मैंने कपड़े बदल लिए हैं। और मैं गई थी मामा के घर, तो वहाँ जब गई थी तो कुछ नहीं था हमारे होटल पर, लेकिन रात में पता नहीं क्या हुआ, यहाँ दाना दाना सा निकल आया था और होंठ में सूजन हो गया था, आप सब देख रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर चूना लगा लिया था कि ये दाना और बढ़े ना तो इसमें से पान निकले। और ये देखो अभी दाग पड़ गया है, अभी भी सूजन है होठों पे। और अचानक अगर कहीं जाना आना होता है मुझे तो अक्सर मेरे होठों पर ही होता है, या तो यहाँ हो या तो यहाँ नीचे हो। और माँ की तबीयत अभी भी ख़राब है, आज उनको और तेज़ी से बुखार चढ़ गया था और उनको दवा मैंने खिला के उसके बाद मैं आई हूँ अपने घर। देखो उनकी तबीयत कैसी रहती है, अगर नहीं आराम हुआ तो उनको फिर से जांच करवाना पड़ेगा, कौन सा बुखार है कि आराम नहीं हो रहा है, दवा खाती हैं आराम रहता है छोड़ देती हैं फिर वैसे हो जाता है, उसके बाद तो फिर जैसे रहेंगी वैसे, ज़्यादा परेशान रहेंगी फिर तब जाऊँगी। और मैं तो गई थी वैसे उनको देखने के लिए, उस दिन तो ठीक थी लेकिन दूसरे दिन शाम से ही उनकी तबीयत में थोड़ा बदलाव हो गया, वो थोड़ा थोड़ा वैसे मन सा चेहरा उदास हो गया और सुस्ती से शरीर में आ रही थी, तभी मैं जान गई थी बुखार चढ़ जाएगा। उसके बाद सुबह सुबह इतना तेज़ बुखार चढ़ गया और उसके बाद कुछ खाना ना नहीं खा पा रही थी, सिर्फ सोने जैसा कि कितना ही नींद लग गया है, आँख नहीं खुल रही थी और बोली में भी बदलाव हो गया था। तो देखो कैसी रहती है, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करना है। यहाँ गोलू की तबीयत है ख़राब, इसको हो गया है जुकाम और बुखार और खांसी इतना तेज़ आ रहा है, और कल शाम को दवा लाए थे और 2-3 बार पिया, अभी ज़्यादा आराम नहीं है, इतना तेज़ खांसी आ रहा है कि बोल रहा सीने में दर्द हो रहा है और दवा खा के यहाँ बैठा है। क्या दर्द कर रहा है बोल? पेट। पेट पेट दर्द कर रहा है क्यों? तो क्या होता है तभी खांसी आ रहा है। और एक दिन शाम को ये ज़्यादा नहा लिया था, उसी दिन से ये हुआ है, इसको खांसी भी आ रहा है, तेज़ बुखार भी चढ़ गया है। और उसके पहले तो परेशान था कि पैरों में फिंसी हो गई थी, चल नहीं पा रहा था, अब जुकाम बुखार से परेशान है, दवा खा के यहाँ पे बैठा है, बोल दे हाय हाय हाथ से हाय।
और वीडियो कैसा लगा आप सबको, वीडियो अच्छा लगा हो देख लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। और मिलते हैं नहीं।